वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉटनी। ठीक है, बॉटनी इसका फर्स्ट यूनिट है जी। क्या बॉटनी, ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए बॉटनी का फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इनके बारे में, और आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जब अच्छे से पढ़ोगे जब ही ज़्यादा लिख पाओगे, जब जितना ज़्यादा लिखोगे नंबर उतने ही ज़्यादा प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ फॉर्म चाहिए। ठीक है, किसी भी वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का पीडीएफ फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपको मैटर चाहिए, ठीक है, तो इसकी एक साइट है www.paperhacker.in, www.paperhacker.in पर आप जाओगे, जहाँ से आप सभी वीडियो के प्लेलिस्ट दे रखे हैं, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं एक एक करके। और किसी भी तरह का पीडीएफ फॉर्म, कोई नोट्स चाहिए, सभी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, www.paperhacker.in को आपको याद रखना है, और वहाँ से आपको जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रायोफाइटा क्या, ब्रायोफाइटा के विभिन्न वर्गों के प्रमुख गुणों का संक्षेप में वर्णन करें। किसका, ब्रायोफाइटा के विभिन्न वर्गों के प्रमुख गुणों का संक्षेप में वर्णन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, दूसरा कह रहा है हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा और तथा ब्रायोप्सिडा के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। किसका, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के प्रमुख लक्षणों का आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा, आखिरकार होते क्या। जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे काई, या काई को आपने देखा होगा, और इसी को लीवर वर्ट कह देते हैं, लीवर वर्ट कह देते हैं, क्योंकि इनका जो थैलस होता है या इनके अंदर जो संरचना होती है वो लीवर के समान होती है। किसके समान होती है, हमारे लीवर के समान होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, लीवर वर्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि नम स्थानों पर जो काई जम जाती है, ठीक है, नम स्थानों पर जो काई या छोटे छोटे पौधे जम जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। ठीक है, उन्हें ब्रायोफाइटा जगत में रखा गया है। तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर ये होता है कि इनकी जो, इनका जो पूरा पौधा होता है वो तीनों भागों में विभक्त नहीं रहता। ठीक है, तना, पत्ती और जड़, इसके तीनों अलग अलग भाग नहीं होते। ठीक है, उसमें तना, जड़, पत्ती, ये तीनों अलग अलग नहीं होते, पूरा पौधा एक समान ही होता है। आंसर क्या होगा इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये अब कौन से वैज्ञानिक थे, रूथ मलार, जिनने 1951 में, तथा दूसरे कौन से थे आपके, प्रोस्कियर, जिनने 1957 में, और ये आपका कौन सा है, तख्ताजन, ठीक है, इनने 1953 के वर्गीकरण तरीके को सही माना। किसके वर्गीकरण तरीके को सही माना था, ये जो दो वैज्ञानिक थे आपके 1951 और 1957, इनने जो वर्गीकरण दिया था नोमेनक्लेचर वाला, उनको किसने सही माना था, ये तख्ताजन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1953 में इनने क्या किया था, इसके वर्गीकरण को सही माना। उन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को मानते हुए, ये क्या है, हेपेटिसी को हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटिसी को क्या कर दिया था, हेपेटिकोप्सिडा, और एंथोसिरोटी को इनने क्या कर दिया था, एंथोसिरोटोप्सिडा, हेपेटिसी को क्या कर दिया था इन्होंने, हेपेटिकोप्सिडा, और एंथोसिरोटी को क्या कर दिया था, एंथोसिरोटोप्सिडा। म्यूसाई को क्या कर दिया था, ब्रायोफाइटा नाम अनुशंसित किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसको किस में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, इनमें कुछ संशोधन करके ये आगे वाला बना दिया था। ठीक है, इसमें कुछ संशोधन करके क्या बना दिया था इनने, एंथोसिरोटोप्सिडा। ठीक है, और म्यूसाई को क्या बना दिया था, ब्रायोप्सिडा। तो इनका डिवीजन अगर हम बात करें, ब्रायोफाइटा की डिवीजन की बात करें, तो इसको तीन क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, नंबर एक क्या हो जाएगा आपका, हेपेटिकोप्सिडा, क्या हो जाएगा, हेपेटिकोप्सिडा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एंथोसिरोटोप्सिडा, क्या हो जाएगा, एंथोसिरोटोप्सिडा।
टॉप्सिडा, थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रायोप्सिडा। क्या हो जाएगा, थर्ड ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो ये तीन क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, किसको, ब्रायोफाइटा को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इपेटिकोप्सिडा और आपका एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब देखो इसके कुछ ऑर्डर भी हैं, जो हमारा हेपेटिकोप्सिडा है इसके ऑर्डर कितने हैं, चार, 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्या है आपका, मर्केंसियल्स। ठीक है, क्या है, मर्केंसियल्स। दूसरा क्या है आपका, सिफेरो कार्पल्स। ठीक है, क्या है, सिफेरो कार्पल्स। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, जुगनर मैनियल्स। ठीक है, जुगनर मैनियल्स। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, कैलो ब्रायल्स। क्या हो जाएगा, कैलो ब्रायल्स। ठीक है, और ये जो आपका दूसरा है, ठीक है, एंथोसिरोटॉक्सिडा, इसका ऑर्डर कितना है, एक। ठीक है, कितने ऑर्डर है इसके, एक ऑर्डर है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एंथोसिरोटल्स। क्या कहते हैं, एंथोसिरोटल्स कहते हैं। इसी तरह से ब्रायोप्सिडा का भी एक ही ऑर्डर, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूसाई कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूसाई कहते हैं। तो इसके बाद कह रहा है विभिन्न वर्गों के प्रमुख लक्षण, ये जो आपने देख रहे हैं विभिन्न वर्ग, पहला दूसरा तीसरा, इनके प्रमुख लक्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस डिवीजन ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। तीन इंपॉर्टेंट क्लास आपके क्या है, यही वाले। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड ये क्या हो गया आपका, थर्ड। ठीक है, तो इनको इंक्लूड किया गया है। इन्हीं के लक्षणों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, हिपेटिकॉप्सिडा। क्या आ जाएगा आपका, हिपेटिकॉप्सिडा, नंबर एक, हिपेटिकॉप्सिडा। ठीक है, इसके लक्षण हम जानेंगे क्या है इसके लक्षण। नंबर एक, इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो कह रहा है एंथोसिरोटॉप्सिडा। क्या है, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ये आपका सेकंड। पहला क्या था, पहला क्या है आपका, हिपेटोकॉप्सिडा। दूसरा क्या है आपका, एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंड थर्ड क्या है आपका, ब्रायोप्सिडा। इन तीनों को सबसे पहले हमने क्या ले लिया, वर्ग हिपेटिकोप्सिडा। क्या, हिपेटिकोप्सिडा। ठीक है, तो क्लास आपका क्या हो जाएगा, हिपेटिकोप्सिडा। इस वर्ग के अंतर्गत कितने हैं, 280 जेनेरा है। कितने हैं, 280 जेनेरा है, और 8500 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं, 8500 जातियां आती हैं। इन्हें इन्हें क्या कहते हैं, इनवर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर वर्ट्स कहते हैं, सॉरी, इन्हें लीवर वर्ट्स कहते हैं। इस क्लास के प्रमुख सदस्य, ये प्रमुख लक्षण निम्न है, किस क्लास के, हिपेटिकोप्सिडा जो क्लास है, इसके जो प्रमुख लक्षण है वो निम्न प्रकार है। तो ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना कि इसके अंतर्गत 280 जेनेरा आते हैं। कितने, 280 जेनेरा और 8500 स्पीसीज आती है। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, लिवर्ड वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण इन है इनका, सबसे पहला करेक्टर है इनका, कह रहा है प्लांट बॉडी। बॉडी किस तरह की होती है, प्लांट, पौधे की तरह इनकी बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी किसकी तरह होती है, पौधे की तरह होती है। कह रहा है थाइलाइड या फॉलियोज, थाइलाइड मतलब इसके, इनके अंदर इनकी जो बॉडी होती है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस के समान होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ थैला, थैलस के समान होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, थाइलाइड होती है इनकी बॉडी। और कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल। ठीक है, कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है, डॉर्सी वेंट्रल मतलब ऊपर की तरह, ठीक है, थोड़ी ऊपर की ओर उठती हुई होती है। दूसरा कह रहा है थैलस के वेंट्रल साइड, ये जो वेंट्रल साइड होता है थैलस का, उसे हम क्या कहते हैं, निचली सतह। ठीक है, सॉरी, वेंट्रल साइड को हम कहते हैं ऊपरी सतह। क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड को ऊपरी सतह। ठीक है, तो थैलस के वेंट्रल साइड पर क्या होता है, न्यूक्लियोलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर। क्या होता है, यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड राइजॉइड तथा आपके क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। थैलस के वेंट्रल साइड पर यानी कि ऊपरी सतह पर आपका यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजाइड्स होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी आपको इस तरह की कुछ दिखाई देंगे। ठीक है, ये कहते हैं अनब्रांच राइजाइड्स। ठीक, थर्ड आपका क्या है, कह रहा है यांत्रिक ऊतक। यांत्रिक ऊतक इनमें कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनमें कोई यांत्रिक ऊतक नहीं पाया जाता है। फोर्थ आपका है वर्धी जनन। वर्धी जनन कई प्रकार, कई मेथड्स द्वारा होता है। ठीक है, आपका सेक्सुअल भी हो सकता है और असेक्सुअल भी हो सकता है, और आपका वेजिटेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इनमें कई प्रकार से इनमें सेक्सुअल जो है जनन हो सकता है। ठीक है, कह रहे सेक्स ऑर्गेन थैलस के डोर्सल सरफेस पर पाए जाते हैं। कहाँ जा पाए जाते हैं, डोर्सल सरफेस यानी कि निचली सतह पर। कहाँ, डोर्सल सरफेस को कहते हैं निचली सतह। मान लो ये कोई पौधा है, ठीक है, इसकी निचली सतह पर, इस पर क्या पाए जाते हैं, इनके सेक्स ऑर्गेन्स। ठीक है, फोर्थ कह रहा है स्पोरोफाइट। क्या, स्पोरोफाइट के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, फूड, सेटा एंड
कैप्सूल, ये आपके स्पोरोफोट के, स्पोरोफाइट के तीन भाग होते हैं। फोर्थ सेवन तब से कह रहा है एंडोथीसियम, क्या एंडोथीसियम से स्पोर तथा इलेटर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स और इलेटर किससे बनते हैं आपके, एंडोथीसियम से बनते हैं, ठीक है। इलेटर्स आपका क्या होता है, इलेटर्स ट्यूब या रिबन के समान संरचनाएं होती हैं कुछ इस तरह की, ठीक है। ट्यूब या रिबन के समान जो संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेटर्स कहते हैं, ठीक। तो इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, आपका एंडोथीसियम से होता है। अर्थ कह रहा है कॉलुमेला का निर्माण नहीं होता है, इनमें कॉलुमेला नहीं बनता है बल्कि क्या बनता है, इलेटर्स बनता है, ठीक है, इलेटर्स बनता है। नाइन्थ कह रहा है कैप्सूल का डिहिसेंस अनियमित एवं अनिश्चित होता है, उसका कोई फिक्स स्पेस नहीं होता, ठीक है, फिक्स पोजिशन नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमिटोफाइट प्रोड्यूस होता है, जब स्पोर्स आपका जमता है या ग्रो करता है तो उसको क्या कहते हैं, हम गैमिटोफाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमिटोफाइट कहते हैं, जब वो इस ग्रो करता है या जमता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वर्ग आपका क्या है, वर्ग आपका हो जाएगा एंथोसिरोटॉप्सिडा, क्या हो जाएगा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ठीक है, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा। इस वर्ग में 6 जेनेरा है, कुल कितने जेनेरा है, 6। पहले हमने पढ़ा था उसमें कितने थे आपके, 280 जेनेरा थे और 8500 लगभग क्या थी आपकी, स्पीसीज थी। इसमें कितने जेनेरा है, 6 जेनेरा तथा 300 स्पीसीज सम्मिलित हैं। इस क्लास के प्रमुख लक्षण क्या है, निम्न है, इस क्लास के जो इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इस तरह से है। नंबर एक क्या हो जाएगा, प्लांट बॉडी, जो हमने पहला पढ़ा था उसी की तरह इसमें भी प्लांट बॉडी होती है, इसमें भी थैलाइड होता है और डोर्सी वेंट्रल तथा लोब्ड होती है, क्या होती है, डोर्सी वेंट्रल तथा लोब्ड होती है इसमें, ठीक है। इसका दूसरा करैक्टर क्या है, कह रहा है वेंट्रल साइड पर केवल स्मूथ वाल्ड राइजॉइड पाए जाते हैं, कह रहा है ट्यूबरकुलेट राइजॉइड तथा स्केल्स नहीं पाए जाते, केवल स्मूथ वाल्ड राइजॉइड पाए जाते हैं, कहाँ, आपके वेंट्रल साइड पर, ठीक है, किस पर, वेंट्रल साइड पर, आपके वेंट्रल साइड कहते हैं ऊपरी सतह को, ठीक है, इस पर क्या पाया जाता है, स्मूथ वाल्ड राइजॉइड पाए जाते हैं और इसमें ना तो आपका ट्यूबरकुलेट राइजॉइड होता है और ना ही स्केल पाया जाता है, ठीक है, इसमें स्केल नहीं पाया जाता, ऊपर वाले में आपका स्केल पाया जा रहा था फर्स्ट क्लास वाले में, ठीक है। थर्ड यांत्रिक ऊतक इसमें भी एब्सेंट होता है और उसमें भी एब्सेंट था। वृद्धि जनन कई विधियों द्वारा इसमें भी हो सकता है, आपका सेक्सुअल हो सकता है, असेक्सुअल हो सकता है और वेजिटेटिव हो सकता है, ठीक है, किसी भी विधि द्वारा इसमें भी आपका वृद्धि जनन हो सकता है। कह रहे थैलस की प्रत्येक सेल में पायरेनॉइड तथा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, थैलस की प्रत्येक सेल में सभी कोशिकाओं में आपके क्लोरोप्लास्ट या पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको फिफ्थ हो गया, यहाँ तक सिक्स कह रहा है सेक्स ऑर्गेन थैलस के डोर्सल साइड पर होते हैं, कहाँ होते हैं, डोर्सल साइड पर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, डोर्सल साइड पर आपके पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से, सेक्स ऑर्गेन। नेक्स्ट कह रहा है स्पोरोफाइट के तीन भाग, इसके भी तीन भाग होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है, आपका फूड होता है, वहां पर क्या था आपका, स्टेटा था, क्या था, स्टेटा था, लेकिन यहाँ पर क्या आपका मेरिस्टमैटिक जोन है, क्या है, मेरिस्टमैटिक जोन होता है। और थर्ड क्या होता है आपका, कैप्सूल, तो इसमें भी तीन भाग होते हैं लेकिन यहाँ पर ये दूसरा वाला भाग इसका चेंज है, क्या है, मेरिस्टमैटिक, वहां पर क्या था, स्टेटा था। अर्थ की अगर हम बात करें तो कॉलुमेला का निर्माण एंडोथीसियम से होता है, ठीक है, और स्यूडो इलेटर्स बनते हैं, वहां इलेटर्स बन रहे थे लेकिन इसमें स्यूडो इलेटर्स बनते हैं, स्यूडो इलेटर्स, स्यूडो का मतलब होता है झूठ या फाल्स, क्या, फाल्स जिसे हम कहते हैं, मतलब कि ये होते नहीं है, केवल दिखते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, केवल दिखते हैं, ठीक है, स्यूडो या फॉल्स, एक ही बात है, इसमें इलेटर्स नहीं बनते, बनते हैं तो कैसे होते हैं, वो फॉल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इनर एम्फीथीसियम से स्पोर्स का निर्माण होता है, इसमें स्पोर्स किससे बनते हैं आपके, इनर एम्फीथीसियम से बनते हैं, ठीक है, थीके? उसमें क्या था, एंडोथीसियम था, लेकिन इसमें क्या है, इनर एम्फीथीसियम से स्पोर्स का निर्माण होता है, ठीक है। टेन आपका कह रहा है कैप्सूल का डिहिसेंस अपेक्स से बेस की ओर होता है, वहां पर क्या था, कोई निश्चित नहीं था, ठीक है, वहां पर निश्चित नहीं था, यहाँ पर क्या होगा, अपेक्स से बेस की ओर, कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्लास हो गया जिसके कुछ करैक्टर थे इंपॉर्टेंट। थर्ड क्लास क्या है आपका, वर्ग आ जाएगा आपका ब्रायोप्सिडा, क्या आ जाएगा, ब्रायोप्सिडा आ जाएगा, ठीक है। क्लास ब्रायोप्सिडा की अगर हम बात करें तो इस वर्ग में 660 जेनेरा है, कितने, जो कि सबसे ज्यादा
जेनरा आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहले में कितने थे, 260, 280, दूसरे में कितने थे, केवल 6, और यहाँ पर कितने, 660 जेनरा, जो कि बहुत ही ज्यादा है इन तीनों में, तथा लगभग 14,500 स्पीसीज होती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। 14,500 इस क्लास के लक्षण निम्न हैं, तो इसके कुछ लक्षण हैं जिनको आपको याद करना है, पढ़ना है। भाई पढ़ना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपको देना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, और उतना ज्यादा लिख के आओगे उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स प्राप्त होंगे, और आपकी क्या हो जाएगी, मोहल्ले में बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो पहला करेक्टर इसका क्या है, कह रहे हैं गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक की टू स्टेजेस होती है। कितनी स्टेज होती है आपकी, दो, वो कौन कौन सी, प्रोटोनेमा स्टेज, और दूसरी कौन सी होती है, लीफी स्टेज। इसमें हल्की कुछ पत्तियों की तरह संरचना दिखाई देगी, ठीक है, लीफी स्टेज दूसरी स्टेज होती है आपकी। दूसरा कह रहा है लीफी स्टेज वेंट्रिकल एक्सिस पत्तियों तथा राइजाइड्स में डिवाइड होता है। जो आपका लीफी स्टेज होता है, वो लीफी स्टेज होता है वो किस में डिवाइड होता है, वेंट्रिकल एक्सिस तथा पेंट्रिकल एक्सिस पत्तियों तथा राइजाइड्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। थर्ड कह रहा है लीव्स छोटी सरल व सेसाइल होती हैं, इन्हें मिड वीन में मिड वीन पाई जाती है। ये सेसाइल क्या होता है, सेसाइल का मतलब होता है चिपके रहना, क्या, सेसाइल, सेसाइल मतलब चिपकू, क्या होता है, चिपकू, ये चिपक जाते हैं एक जगह, मतलब ये मोशन नहीं करते हैं, ठीक है, जहां रहते हैं वहीं चिपके रहते हैं, ऐसा नहीं है एक जगह से चल के दूसरी जगह पहुंच गए, ये कैसे होते हैं, सेसाइल भी होते हैं, ठीक है। राइजॉइड बहुकोशिकीय, यानी कि कैसे होते हैं आपके, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ब्रांच होते हैं। वहां क्या था, यूनिसेलुलर था और अनब्रांच था फर्स्ट वाले में, इसमें क्या है, राइजॉइड आपके कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, या मल्टी सेलुलर होते हैं, और कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, उसमें कैसा था, अनब्रांच था। सेप्टा तिरछे पाए जाते हैं, जो सेप्टा होते हैं आपके वो कैसे होते हैं, कुछ तिरछे तिरछे पाए जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ आपका कह रहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई मेथड्स द्वारा होता है। जो आपका कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो कई प्रकार से होता है। इनमें सेक्स ऑर्गेन का निर्माण शाखाओं के एपेक्स ग्रुप पर होता है। सेक्स ऑर्गेन कहाँ बनते हैं, शाखाओं के एपेक्स ग्रुप पर बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेवेंथ की, कह रहा है स्पोरोफाइट के तीन भाग होते हैं। किसके, स्पोरोफाइट के, इसमें भी तीन भाग होते हैं, जैसे हमने सेकंड वाले में पढ़ा था, सेम उसी की तरह। फुट होगा आपका, मेरिस्टमेटिक जोन होगा, और क्या होगा, कैप्सूल होगा। फर्स्ट वाले में चेंज है, यहाँ पर क्या था आपका, सेटा लगा हुआ था, और दूसरे वाले में स्पोरोफाइट के दूसरे और तीसरे में तीनों तीनों भाग कैसे सेम है, ठीक है। क्या है आपका, फुट है, मेरिस्टमेटिक जोन है, और क्या है आपका, थर्ड कैप्सूल है। यर्थ की अगर हम बात करें तो कह रहा है कैप्सूल डिसेंस पेरिस्टोम टीथ द्वारा प्रभावी होता है। किसके द्वारा प्रभावी होता है, पेरिस्टोम टीथ द्वारा प्रभावी होता है, कौन सा आपका, कैप्सूल, ठीक है। नाइन्थ कह रहा है स्पोर के अंकुरण से क्या होता है, प्रोटोनेमा स्टेज विकसित होती है। जब स्पोर का अंकुरण होता है तो स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनोमा स्टेज कहते हैं, प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लीफी स्टेज का फॉर्मेशन बाद में होता है। जो लीफी स्टेज है उसका फॉर्मेशन बाद में होता है, ठीक है, किसके, प्रोटोनेमा स्टेज बनने के बाद। तो ये तो था आपका ब्रायोफाइटा, क्या था, ब्रायोफाइटा, ठीक है, और उसके वर्गों के कुछ मुख्य लक्षण, ठीक है, कुछ मुख्य लक्षण अगर पेपर में आ जाए तो आपको यही लिख के आना है। इसमें 10-10 दे रखे हैं, 10 में से अगर आप 6 लिख जाते हो, 7 लिख दे, तो फिर भी एवरेज नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, और वीडियो को क्या कर देना, लाइक, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर वेयर भी करते रहा करो, ठीक है, अपने साथियों को शेयर कर दिया करो सेशन को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।